पाखी ने अनुपमा के लड्डू का किया अपमान, बा ने अनुपमा पर लगाया बापूजी को दूर करने का इल्जाम। स्टार प्लस के शो अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर पाखी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, घर में एक बहुत लैविश पार्टी हो रही है, तो वहीं बगल के आश्रम में एक नामकरण की सेरेमनी हो रही है। यहाँ पे वेस्टर्न और इंडियन म्यूजिक आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिस वजह से बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट होता है। अपनी बेटी पाखी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए अनुपमा अपने हाथों से लड्डू बनाती है, लेकिन हमेशा की तरह पाखी अपनी माँ अनुपमा की बेइज्जती करती है और उसके हाथों से लड्डू फेंक देती है। यहाँ पर पाखी और अनुपमा के बीच में एक फेस ऑफ होता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम भी लगाते हैं। तो वहीं वनराज भी ताने कसता है कि यहाँ पर उसके लिए बहुत बड़ी पार्टी हो रही है, काफ़ी सारे बड़े लोग आए हैं। तो इस तरह अनुपमा अपने आश्रम में बेहुदा म्यूज़िक ना बजाकर उसे शर्मिंदा ना करे। तो वहीं अनुपमा के ताने सुनने की सीरीज़ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बा से होती है अनुपमा की मुलाकात। बा अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाती है कि आज उसकी वजह से वो अपने पति से दूर है। फिलहाल बा रहती है वनराज के साथ, तो वहीं बगल वाले आश्रम में बापूजी अनुपमा के साथ रहते हैं। इस वजह से वो दोनों पति पत्नी अलग हो चुके हैं और इसका पूरा इल्ज़ाम बा ने अनुपमा पर लगाया है। और इसी मोहल्ले में घूमते घामते अनुज भी आ गया है। अनुज फिलहाल अपने बदहाल हालत में है और वो किसी से बात नहीं करता। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि अनुपमा की मुलाकात क्या अनुज से होगी, या फिर यूं ही वो इन्हीं सब के दो घर के बीच के ड्रामे में फंसी रहेगी। आने वाले एपिसोड को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।